होटल के निकट गोसेवा हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसमें करोड़ों का लोगों को द्वारा दिया डोनेशन आता है। इस देश से ही नहीं विदेशों से भी गोसेवा के लिए खुलकर दान दिया जाता है। और तो और सरकार से हॉस्पिटल में गायों के उपचार के लिए डोनेशन आता है। लेकिन अगर इसकी आपको जमीनी हकीकत पता लगेगी तो आपका मन सिहर उठेगा। जी हाँ, हम आपको बता दें कि बावजूद इसके होटल में कई दिनों से सूचनाएं मिल रही थी कि जगह जगह घायल और बीमार गऊ तड़प तड़प कर मर रही हैं। ऐसा ही नजारा सामने आया है होटल की पेच कॉलोनी से, जहां एक गाय बीमार तड़प रही थी तो निवासियों ने कई घंटों तक गोसेवा धाम हॉस्पिटल को फोन किया, लेकिन कोई भी नहीं आया। लोगों ने बताया कि होटल से भी इस हॉस्पिटल के लिए काफी रुपए दान दिया जाता है ताकि बीमार और घायल गाय का इलाज हो सके। लेकिन अब होटल निवासियों को लगता है कि ये हॉस्पिटल गोसेवा के नाम पर पैसे ऐंठने की दुकान बनाई हुई है। सुबह 5:30-6 बजे से यहाँ पड़ी हुई है जी। और 3-4 चक्कर हमारे लगे, ना तो कोई इसको देखने वाला आया जी, ना कोई जैसे हमने चित्रलेखा वाले धाम में उसमें कई बार फोन किया है, ना तो वो उठाते हैं, ना सुनते हैं, ना फोन भी नहीं उठा रहे हैं जी। कभी मैंने दूसरे आदमी से फोन कराया, मैंने कहा तुम्हारा फोन उठा ले, तो कोई फोन नहीं उठा रहे, कोई सुनवाई नहीं है जी। इस प्रकार से इनके बाजार में पूरा सिस्टम बना हुआ है, हर दुकानों पे पेटियां रखी हुई हैं, दान पेटियां रखी हुई हैं। हमें क्या फ़ायदा हो रहा है जब हमारी मेन जो बिल्कुल इनसे 1 किलोमीटर दूरी पे बना हुआ है सिस्टम, उसके हिसाब से भी ये काम नहीं कर रहे हैं, तो आगे बताओ कैसे काम है। बता दें गौ सेवा के लिए दिया जा रहा है, बाकी हमें तो गौ सेवाएँ हो रही हैं क्या इसमें इस तरीके से? नहीं, आप 10 बजने वाले हैं, आप देख रहे हो सुबह 5:30 बजे से पड़ी हुई है, जब से हम निकले दूध लेने के लिए कोई सुनवाई नहीं है, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। बाकी मैंने ऐसा भी सुना है कि लोग फ़ोन करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि जी हमने कोई ठेका ले रखा है, ये सारी बातें हैं। तो फिर मेरा निवेदन है कि एक बार इस चीज़ को गौर करें और चित्रलेखा जी से बात करें, जब ये सुविधा ये यही नहीं दे रहे हैं, गायों को नहीं उठा रहे हैं, तो आगे चल के हॉस्पिटल में क्या इलाज करते होंगे। मई कॉलोनी वासियों ने गाय की गंभीर हालत को देखते हुए गौ सेवक घनश्याम व्यास को फोन करके बुलाया और प्राइवेट डॉक्टर बुलाकर गाय का इलाज शुरू करवाया। बता दें कि इस दौरान घनश्याम व्यास ने गोसेवा धाम की गौ के नाम पर पैसे ऐंठने के कारोबार की धज्जियां उड़ा कर रख दी। चलिए आपको भी सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखो जी, गोसेवा धाम हॉस्पिटल के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा, आज उनको कम से कम भी 20 दिन हो गए। 20 दिन में इस गाय की 14वें नंबर की कंप्लेंट है। आज सुबह से लेकर तीसरी कंप्लेंट है। 23 तारीख को 2 कंप्लेंट थी। उपकेयर सिनेमा हॉल गड़ी मोड़ पे एक गाय को मतलब पिकअप ने टक्कर मार दी, जिसके पैर टूटे पड़े। मैंने गौ सेवा धाम हॉस्पिटल की जो संचालिका, उनके भाई प्रत्यक्ष शर्मा पे फ़ोन मिलाया, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। राहुल शर्मा पे फ़ोन मिलाया, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। आज से करीब 1 हफ्ता पहले भी एक गाय अपने लक्ष्मीनारायण मंदिर के चौक पर बीमार पड़ी थी, तब मैंने फ़ोन मिलाया, तब भी इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो एक हमारे बाजार के हैं नितिन जी, उन्होंने फ़ोन मिलाया, उनका फ़ोन उठाया गया, तो मुझसे राहुल शर्मा कहता है कि हमने कोई ठेकेदारी नहीं ले रखी, ना हमने कोई एग्रीमेंट करा रखा है कि हम ही ले जाएंगे। बाजार पूरे बाजार में इनकी गुल्लक रखी है और कथाओं के माध्यम से ये लोग जो कथाओं में आता है वो भी, मैं भी कथाकार हूँ, मुझ पे उंगलियाँ उठेंगी कि शायद मुझे इनसे जलन है, मुझे कोई जलन नहीं है, ना मुझे कोई आपत्ति है। हम पे जितनी बन रही है हम अपनी सेवा कर रहे हैं, कम से कम तुम फोन तो उठा लो। तुम ये कह दो जी हम पे ना हो रही सेवा, हम ना कर सकें। राहुल शर्मा कहते हैं कि मेरी कथाएँ बंद हैं तो देवी जी पे दान नहीं आ रहा है। कथाएं तो हमारी बंद है, लेकिन हम फिर भी अपनी सेवा जैसी बन रही कर रहे हैं। तो जी ना फेसबुक पर वीडियो डालते हैं जी, आज हम वहाँ से मोर उठा करके लाए। अरे तुम हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर दूर जो गाय बीमार पड़ी है उसको तो तुम उठा नहीं रहे। अरे उठा नहीं सकते, कम से कम फोन उठा लो, पट्टी कर जाओ, अपनी कोई दवाई गोली तो दे जाओ। ये बाजार के लोग तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई से पैसा देते हैं और जनता के पैसे से वो गौ सेवा धाम बनाए। और जो मुझसे ये कह रहा है ना कि वो राहुल शर्मा के हमने ठेका नहीं ले रखा, तो दान भी लेना बंद कर दो, ठेका हम ले लेंगे। बहरहाल सही समय पर उपचार न मिलने से बीमार गाय ने दम तोड़ दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब गौ सेवा हॉस्पिटल गायों की देखभाल ही नहीं कर सकता, तो फिर हॉस्पिटल को चंदा किस बात का दिया जा रहा है? और फिर क्यों इस हॉस्पिटल का प्रशासन गायों के नाम पर अपनी झोली लोगों के सामने फैलाता है? बहरहाल हमारी भी यही सलाह है कि गौ सेवा के नाम पर पैसे ना बटोरे और लोगों की भावनाओं से ना खेले। गौ माता के नाम पर आए पैसों को गौ माता की सेवा में ही लगाएं, ना कि अपने ऐशो आराम में खर्च करें। तो वहीं वहां के स्थानीय लोगों ने प्रशासन को वहां के मामले की जांच करने के लिए बोला है। सत्य खबर के लिए होटल से हरि ओम भारद्वाज की रिपोर्ट। पंडित निखिल शास्त्री जी, 2 घंटे में फोन पर घर बैठे समाधान, स्पष्ट लिस्ट, वशीकरण करवाना या तोड़वाना, मन चाहा प्यार, लव मैरिज, ग्रह कलेश, सौतन दुश्मन से छुटकारा, लॉटरी नंबर, नशा मुक्ति, कर्जा मुक्ति, किया कराया, आपका पति पत्नी दोस्त या प्रेमी आपके कहने से बाहर हो, तो
तुरंत संपर्क करें 8287078475। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।